राम राम जी सारे परिवार ने मेरी। और कल तो मैंने बनाई थी चावल की रोटियां और लौकी की सब्जी, और आज मैं बताने जा रही हूँ दही कैसे जमाते हैं। ऐसी दही जो हमें चम्मच से तोड़नी पड़े। देखो गाँव में तो ऐसे दूध की जमती है, लेकिन जो हमारे हमारे पास दूध होता है पैकेट वाला, उसकी दही बताती हूँ मैं। और जो अमूल होता है फुल क्रीम, उसकी अच्छी दही नहीं जमती। और मैं दही जमाती हूँ खुले वाले दूध, ये खुला दूध है मदर डेयरी, इसकी दही देखो बहुत ही बढ़िया बनती है। मैं इस साल में गर्मी में दही बहुत कम खाई है, क्योंकि जो हमारे दूध वाला है ना, जिससे हम दूध लेते हैं, तो उसने की बार खुला दूध लेना बंद कर दिया। जी और रात को आता दूध वाला 1:30 बजे, तो नींद खराब होती है, फिर बिकता भी कम है। मतलब भाई हमें तो पता नहीं बिकता कम है ज़्यादा, लेकिन मेरे लिए तो 1 किलो दूध मैं स्पेशल लेती थी दही के लिए, और अमूल लेती थी चाय और पीने के लिए बच्चों के लिए। तो देखो दही हमेशा मेरे घर में दही रहती थी, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि आपको किसी टाइम दही नहीं मिलेगी, हमेशा दही मिलती थी बच्चों। लेकिन आज तो मैं जामुन लगाने के लिए भी लेके आई हूँ दही, इसमें से जामुन लगाऊंगी, दम सारी का नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल थोड़ी सी आधा हाथ चम्मच लूँगी। आपके सामने दिखाऊंगी कैसे जमाते हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ दूध इसमें, ये दूध डाल दिया है, और ये है पानी उबाला हुआ, पहले फिल्टर होता है और फिर मैं इसमें उबालती हूँ पतीली में, और ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसे छान करके बाल्टी में भर दूंगी। मेहनत पानी के लिए बहुत करती हूँ, मार तो नहीं करती क्योंकि भाई बहुत बीमारी का डर रहता है। तो इसमें मैं पानी भी डाला है आपके सामने आधा गिलास, मैं नीचे से भी बंद करती हूँ हमेशा, लेकिन और भी गैस तो हमेशा नीचे से बंद करना चाहिए काम होने के बाद, क्योंकि तो क्या पता कोई कर दे। तो बच्चा तो नहीं है हमारे पास छोटा, बड़े हैं, और फिर भी हो सकता है कोई चीज हम उसको काट दे या बच्चा खोल दे, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रात को भी मैं जब खाना बनाते हैं सारा काम हो जाए गैस का, तो नीचे से बंद करके जाती हूँ। तो प्लीज आप भी ऐसे करिए, कभी भी खुला मत छोड़िए, क्या पता चले मैंने पाइप निकाल दी और कहीं घर में जोत बत्ती लग रही है तो नुकसान हो सकता है। तो इसलिए काम होने के बाद आप रेगुलेटर को नीचे से बंद करें। और अब मैं दूध जमा रही हूँ, किस में जमाऊंगी कोई बस ले लीजिए, ये डिब्बा दही। अगर ये अच्छी जमी दूसरे दूध वाले के से डालेंगे खुला दूध, अगर अच्छी जमी तो डेली ले रखूंगी जिससे बच्चे मनाया नहीं थी सर्दी में जब वहाँ पर देखी थी दही अच्छी ना बिकती थी बिल्कुल भी, तो इसलिए और हमारे वाला ले आना रहा है, मैं तो कह रही थी भाई ले लिया पर तुम 1:30 बजे निकल गए। तो इस दूध को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है बिल्कुल, अभी तो ठंडा है क्योंकि वो खरीदना रख रहा था, तो इसको इतना गर्म करना है कि आंगड़ी हमारी डूब जाए, जो जिसको बोलते हैं नॉर्मल सा बिल्कुल नवाया जो पी सकते हैं बच्चे को प्या सकते हैं ना, ऐसा दूध करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना ना उबालना। और ये दही निकाल देती हूँ मैं। अच्छा दही को है ना आपको एक और बताऊंगी, ये दही मैं लाई हूँ तो आप भी ऐसे करना, चेहरे पर लगाना इसको थोड़ी सी दही, और इसमें कॉफी थोड़ी कॉफी मिला के दही में या दूध में जो भी फंसे उसी में थोड़ी ही मिला के अपने चेहरे पर मसाज कर लिया। तो देख मेरे को तो टाइम मिलता नहीं है, आज मैं सोचूंगी करने की, फिर आपने पार्लर में जाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो प्लीज़ आप भी करना इसको, अपने चेहरे का भी थोड़ा ध्यान करें अपने काम के साथ साथ। मैं तो बहुत करती हूँ, जब मेरे को टाइम मिलता तो मैं तुरंत कुछ न कुछ करती हूँ,
और जिनके चेहरे पर देख, कई बहनों के चेहरे पर वो कहते हैं कि हमारे हैं भूसियाँ हैं, झाइयाँ हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो बहन ऐसे करें, जो एलोवेरा होता है ना उसको छोटा सा पीस काट ले और उसको छील के अपने चेहरे पर ऐसे हल्के हाथ से लगाए, बिल्कुल पता नहीं चले, कई तो रगड़ लेती हैं ऐसे तो लाल चेहरा हो जाता है, ऐसे मत करो, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ऐसे निकाल के 10 मिनट के लिए उसे छोड़ दें और 10 मिनट के बाद साफ पानी से मुँह धो लें और फिर उसको ज़्यादा जोर से रगड़े ना तो ये से। और जब भी आप ये जैसे मेरे मुँह धोते हैं, फेशियल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत पूछा करो, इसको ऐसे पूछा करो चेहरे को ऐसे। कई बोलती हैं कि आपके चमक का क्या राज है, किसी ने पूछ रखा था बहन ने एक ना कि आपकी चमक का क्या राज है, कुछ नहीं है बहन, बिल्कुल देसी खाना है और बस मैं ये लगाती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन अब तो मैं एक दो महीने से नहीं लगा रही हूँ, आज फिर मैं दही का लेप करूँगी थोड़ा, हाँ मिल गया तो टाइम, तो आप भी बीच बीच में अपना करते रहा करो। ये दूध देखो हो गया है गर्म, बस इतना ही गर्म करना है, इसमें आंगली देख मैं आराम से रख सकती हूँ, निकाल दे रही दूध के अंदर है देखो, अब मैं इसको निकाल लूँ। और ये मैंने दूध रख लिया अपनी चाय का थोड़ा, हाँ क्योंकि मैं बहुत लालच करती हूँ, इस जब भी दूध गर्म करूँगी या काना के लिए करूँगी, भाई के लिए करूँगी, भाई अमन को नहीं पीता है, एक तो चाय दूध पीता है, जिस दिन मैं गर्म कर दूँगी तो उस दिन ये दूध नहीं पीता, इसको मैं कहती रहूँ बेटा दूध पी ले, तो कहेगा मम्मी जी पी रहा हूँ, मम्मी जी पी रहा हूँ, और फिर मैं जबरदस्ती डाल के रख दूँगी इसका, तो मैं बाद में देखती हूँ तो फ्रिज में रखा मिलता है, पीता नहीं है ये, तो इसलिए मैं दूध को गर्म नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं सोच रही थी अभी घी बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि बहन घी खत्म होने वाला हो रहा है, जाना गाँव में पता नहीं कब चक्कर लगेगा। देखो बहन ने दूध रख दिया है, बिल्कुल लेवाया है, नॉर्मल है, और इसकी दही जमानी है, तो देखो इतनी दही है, कोई ज़्यादा नहीं, देखो आधा चम्मच भी नहीं है बहन, जिसको मिला रही हूँ दूध में ऐसे दिया हिला, चलो मैं इसको इसी से टक्कर के रख देती हूँ, बिल्ली आने का कहीं से रास्ता नहीं है हमारे घर में, तो इसको मैं ऐसे भी रख दूंगी, ये शाम तक दही जम जाएगी, फिर शाम को आपको दिखाऊंगी दही बिल्कुल तोड़ने से भी नहीं टूटेगी, चम्मच से डालनी पड़ती है ऐसे ऐसे जैसे बर्फ हो, ऐसी दही जम जाती है। तो बहन आप ही ऐसे करना, मैं ठंड में भी दही जमाती थी, लेकिन क्या तुम दूध की प्रॉब्लम आपको दी है बता, मैं दूध वाले भाई से कह रही थी भाई मैं खा लिया हमें तो मुश्किल हो गई है, अरे देखता हूँ जी बहुत अच्छा बेचारा वो क्योंकि दही के बिना भी और फिर खाई सारा सारी बार दूध 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 सभी बोर हो गई है, दूध पी है पन्नी और रोटी तो कूटनी पड़ती है और किससे खाएं। तो बहन देखियो आपको दही भी दिखाऊंगी मैं जो बनने की बहुत बढ़िया दही बनेगी, तो दही बनाने का आसान तरीका है, उसे हल्का गुनगुना गर्म करिए और दही मैंने आपको दिखाई है बिल्कुल इतनी सी दही लेके उसमें मिला दें, उसको ढक के रख दें, आप पानी ज़्यादा मत मिलाना, मैंने 1 किलो में इतना सा पानी मिलाया है कि उसको मतलब हमारे में है ना दूध को गर्म नहीं ऐसे ही करती, थोड़ा पानी मिलाना पड़ता है, तो इसलिए मिलाता मैं एक, देख लियो आपको ये कैसे लगेगी। और ये और मैं आगे दिखाती हूँ गाय के लिए मैं चारा लेके आई हूँ, तो देखना गाय के लिए गंडासा भी देखना है, यहाँ भी गंडासे हैं क्योंकि दूर दूर के लोग लेके जाते हैं,
तो गाय की गाय को चारा डालने के लिए लेके आई थी। तो वह आपको भी जब टाइम मिले तो बीच बीच में थोड़ा पुण्य करते रहा करो, कुछ नहीं ले जाना, जरूरी नहीं इतने ऐसे ही खाली आ चले जाएंगे, कुछ नहीं लेके आए ना लेके जाएंगे। और फ्रेंड सबके साथ मिल करके रहा करो क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं जाना है हमारे साथ, बस यही जाएगा बोलना ही जाना। और ऐसे अच्छाई की तो इंतजार करो मत, जो कोई अच्छा इंसान होता है उसी के लोग दुश्मन ज़्यादा होते हैं। तो आप ये मत सोचना कि हमें कोई अच्छा बताए हम जब भी अच्छे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे। सब देखो कहते हैं ना कि आदमी आदमी को तो लेता है, जो जैसे जिसकी सोच होगी उसकी फ्रेंड ऐसे ही मिलेंगी। तो इसलिए अपना अच्छी सोच रखो, अच्छी फ्रेंड बनाओ, अच्छी दोस्ती रखो। और फ्रेंड मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो मेरी बहन, सारी बहन आना, मैं दिल से कह रही हूँ तुमने मेरा बहुत सपोर्ट करा है बहन, आगे भी करती रहो। और उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी बहनों का, भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करे, उन्हें कोई भी दुख ना दे, और भगवान सारे हमारे संकट, अरे मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के जो मेरे को देखते हैं, ताज चमनगढ़ फैमिली, मेरी इसका नाम है ताज चमनगढ़ फैमिली, भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और मेरी गलती बता दिया करो, जहाँ मैं गलती करती हूँ उसको आप प्लीज़ ज़रूर बता करो, मैं फिर आगे से निकलूँगी। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बेटा बेटियों ने ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को देखा है और इस मैं कमी बताई है। कमी हो तो कमी बताना, अच्छा हो तो अच्छा बताना, और एक लाइक ज़रूर दे दिया करो इसके लिए बिल्कुल भी वो मत किया करो बहन। वैसे आप देखते हो, इसमें कहने की जरूरत नहीं होती है, आप लाइक मेरे को देखते हो, इसी तरह देखते रहो, बहुत सपोर्ट करा है, तो इसलिए मैं फिर से धन्यवाद कर रही हूँ आपका। और अब ये देख लो गंडासे का राज, गंडासे का कौन से का बहन, उल्टा मत सोचना, गंडासे का जो भैंसों के लिए चारा काटा जाता है वो दिखा रही हूँ, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप बताएगा तो अब देखो आगे और किसको दे रहे हैं फल, किसको